नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एशियन पेंट्स के बारे में। एशियन पेंट्स डीलरशिप क्या है, एशियन पेंट्स डीलरशिप कैसे लें, एशियन पेंट्स डीलरशिप के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, एशियन पेंट्स डीलरशिप के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए आपको कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी, एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें, और दोस्तों एशियन पेंट्स डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप के अंदर आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मार्जिन होगा। दोस्तों, एशियन पेंट एशिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में यह पेंट्स में पहले स्थान पर है। दोस्तों, सन 1942 में यह कंपनी शुरू हुई थी। इस कंपनी का टर्नओवर आज के समय 155.34 बिलियन रुपए है और दोस्तों यह कंपनी 19 देशों में काम कर रही है। दुनिया भर में एशियन पेंट के 26 निर्माण सुविधा उपलब्ध है दोस्तों, जिसके द्वारा यह 65 देशों के उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों, CNBC आवाज द्वारा एशियन पेंट को 2015 में उस दशक की सबसे प्रभावशाली कंपनियों के रूप में सम्मानित किया गया था। दोस्तों, भारतीय बाजार में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी 54.1% है। दोस्तों, एशियन कंपनी 1967 से ही पेंट के बाजार में सबसे आगे है। दोस्तों, आज भारत में यह कंपनी किसी अन्य कंपनी से आकार में दुगनी है और एशियन पेंट सजावट और औद्योगिक उपयोग के लिए अनेक प्रकार के पेंट का निर्माण करती है। दोस्तों, आज के समय में यह तेजी के साथ ग्रोथ करने वाली कंपनी है, जिसके इंडिया के अंदर बहुत से डीलर हैं। दोस्तों, जो कंपनी के प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम करती है और यह कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए नए नए डीलर को फ्रेंचाइजी देती रहती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह बिजनेस दोस्तों आपके लिए काफी फायदेमंद है, जिसके द्वारा आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसे शुरू करके दोस्तों आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, एशियन पेंट्स डीलरशिप क्या है। दोस्तों, एशियन पेंट्स डीलरशिप या फ्रेंचाइजी के बारे में आप काफी लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, अगर फिर भी आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, देश में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, वह सभी जगह खुद काम नहीं करती है, इसके लिए वह दोस्तों अपने नाम से डीलरशिप देती है, ब्रांच ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बेचने के लिए अपने डीलरशिप देती है, अपने प्राधिकरण देती है, इसे डीलरशिप कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह एशियन पेंट्स भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए डीलरशिप देती है, फ्रेंचाइजी देती है। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एशियन पेंट्स की डीलरशिप लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एशियन पेंट्स के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके लिए आपको एक गोडाउन और शॉप की जरूरत होगी। अगर जमीन आपकी खुद की है तो दोस्तों आपका काफी खर्चा बच जाएगा, लेकिन अगर रेंट पर है तो दोस्तों उस हिसाब से आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा। और शॉप और गोडाउन के अलावा आपको इसके लिए एशियन पेंट्स के लिए कुछ सिक्योरिटी फीस भी जमा करवानी होती है। सिक्योरिटी के तौर पर दोस्तों आपको 5-7 लाख रुपए और गोडाउन की कॉस्ट कुल मिलाकर आपको 2-5 लाख रुपए, शॉप की कीमत दोस्तों 4 लाख रुपए और बाकी का खर्चा दोस्तों मिलाकर 1.5 लाख रुपए। एशियन पेंट्स की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए दोस्तों लगभग आपको 15-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए आपको कितने जगह की जरूरत होगी। तो जगह की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको एक स्टोर और एक गोडाउन की आवश्यकता होगी और जमीन की जगह आपके फ्रेंचाइजी के ऊपर भी निर्भर करती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 200 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट शॉप के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। गोडाउन के लिए दोस्तों आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर दोस्तों आपको 1500 वर्ग फुट से 2000 वर्ग फुट जगह की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, एशियन पेंट्स की डीलरशिप के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। दोस्तों, एशियन पेंट्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इनमें आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट भी होंगे और कुछ बिजनेस से संबंधित डॉक्यूमेंट भी होंगे। अगर आईडी प्रूफ की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपका राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके साथ ही दोस्तों आपको बैंक अकाउंट के खाते की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर और एक फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस डॉक्यूमेंट में आपको GST नंबर और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
आगे बात करते हैं दोस्तों एशियन पेंट्स के लिए अप्लाई कैसे करें। दोस्तों एशियन पेंट फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेने के लिए कोई भी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, इसके लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। दोस्तों आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको कुछ डिटेल पूछी जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कंपनी ने अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके सभी जानकारी ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है दोस्तों 1800209578, इस नंबर पर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों एशियन पेंट्स के डीलरशिप से आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना मुनाफा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि एशियन पेंट की डीलरशिप से आपको कितना लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें इसमें आपको कम से कम 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए महीना आसानी से कमा सकते हैं, और दोस्तों त्योहारों के सीजन में यह आपकी कमाई दोगुनी भी हो सकती है। दोस्तों एशियन पेंट फ्रेंचाइजी में अलग अलग प्रोडक्ट पर कंपनी आपको अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों क्योंकि यह कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है, जिसके लिए आपको अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग मार्जिन निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी या डीलरशिप लेते समय आपको प्रॉपर दी जाती है। और दोस्तों फिर भी अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो या दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।